मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के ठाणे से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। ठाणे के बंदोलकर और जोशी बेडकर कॉलेज में एनसीसी छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई है। इस घटना को कुछ छात्रों ने चुपके से कैमरे में कैद कर लिया है, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद छात्रों और अभिभावकों में काफ़ी हंगामा मच गया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ छात्रों को सर के बल उल्टा करके एक शख्स, जिसे वीडियो में लड़कों का सीनियर बताया जा रहा है, बारी बारी से बेरहमी से मारे जा रहे हैं। हाथ में मोटी रॉड जैसी चीज लिए एक शख्स छात्रों को इतनी जोर से मार रहा है कि वे अपना संतुलन तक खो दे रहे हैं। दरअसल ठाणे कॉलेज के नाम से मशहूर बेडकर कॉलेज में एनसीसी विद्यार्थियों को बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ठाणे कॉलेज को बंदोलकर, बेडकर और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के लिए जाना जाता है। बेडकर कॉलेज की प्रिंसिपल सुचित्रा नायक ने बताया है कि इसकी जानकारी हमें नहीं मिली कि हमारे कॉलेज में ऐसी कोई घटना हो रही है, लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो हमने फौरन इस मामले को लेकर एक्शन लेते हुए सभी विद्यार्थियों से बातचीत करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा जिस सीनियर विद्यार्थी ने अपने जूनियर विद्यार्थियों पर डंडे बरसाया है, उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के परिजन वालों को हमारा निवेदन है कि वो आप अपने बच्चों को एनसीसी कैडेट से दूर ना करें। सुचित्रा नायक ने बताया है कि इन छात्रों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। एनसीसी द्वारा किए गए इस घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रिंसिपल ने यह भी कहा है कि जिन छात्रों के साथ ऐसी घटना हुई है, उन्हें डरना नहीं चाहिए और हमसे आकर मिलना चाहिए और एनसीसी छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर प्रिंसिपल ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। मैडम काय सांगाल, एक क्लिप वायरल झालेली आहे, त्याच्यामध्ये एनसीसीचे जे हेड्स आहेत ते अमानवी पद्धतीने शिक्षा करताना दिसताय मध्ये, त्याच्याबद्दल कॉलेजचं काय म्हणणं आहे? पहिली गोष्ट म्हणजे एनसीसीचे हेड म्हणजे ते विद्यार्थी आहेत, ते काही कोणी शिक्षक नाही आहेत, हा पहिला मुद्दा आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे। आणि तरी म्हणजे असं व्हायलाच नाही पाहिजे, ही अतिशयच म्हणजे घृणास्पद गोष्ट घडलेली आहे, ती घडून गेली असेल तर ती अतिशय घृणास्पद आहे आणि नक्की याच्यावर आम्ही ॲक्शन घेणार। पण ॲट द सेम टाईम मला तुम्हाला असं सांगावंसं वाटतं की एनसीसीतर्फे आपल्या कॉलेजमधनं खूप चांगली कामं झालेली आहेत। खूप चांगल्या प्रकारे एनसीसी आपण गेली जवळजवळ 40 वर्ष कंडक्ट करत आहोत, सगळ्यात जुनं युनिट आहे आपलं, आणि जे शिक्षक असतात ते शिक्षक असताना असल्या कुठल्याही गोष्टी होत नाहीत, शिक्षक नसताना झालेली ही गोष्ट आहे। म्हणजे खूपच मला ज्याच्यात आपण विकृत म्हणावं ना अशी झाक दिसतीये त्याच्यात, असं कुठलाही मुलगा माणूस सहसा नॉर्मल माणूस असं वागणार नाही, पण ह्याचा नक्की आपण म्हणजे बंदोबस्त करू, असं होणार नाही। ज्यांनी चूक केली आहे त्याला कदापिही सोडलं जाणार नाही, आणि मुलांनी केवळ एका मुलाच्या भीतीमुळे एवढी चांगली ॲक्टिव्हिटी सोडावी हे मला अजिबात मान्य नाही। आपण नक्की त्याची काही शहानिशा करू, नक्की त्याच्यावर ॲक्शन घ्यायला सुरुवात झालेली आहे ऑलरेडी, आणि नक्की ते आपण शेवटापर्यंत नेऊ। मॅडम काय नेमकी ॲक्शन होईल? आता ती चौकशी होईल, त्या चौकशी दरम्यान जी मुलं अफेक्टेड आहेत त्यांनी पुढे यायला पाहिजे। ती पुढे आली की जी काही योग्य कमिटी बसेल त्या सगळ्यांना जी योग्य वाटेल ती ॲक्शन नक्की घेण्यात येईल, कारण ती ॲक्शन ती कमिटी घेईल, त्याच्यात मी सांगू शकत नाही की मी काय म्हणजे मी असेन की नाही मला माहिती नाही, ती कमिटी असेल, त्यामुळे ती कमिटी योग्य ॲक्शन घेईल। आणि तेवढा विश्वास मुलांनी, विद्यार्थ्यांनी, पालकांनी आमच्यावर ठेवावा, इथे रात्रंदिवस आम्ही मुलांच्या भल्यासाठी झगडत असतो, त्यामुळे तुम्ही नक्की याचा विचार करावा असं मला वाटतं। आणि मुलांनी घाबरू नये, त्यांनी हे आधीच जर का त्यांना आधीही संशय होता तर त्यांनी आधीच येऊन आम्हाला सांगायला हवं।